बुक ऑडियो के टेबल पर लेखिका वंदना सिंह जी लेकर आ रही हैं आपके लिए चाय की चाह, ज्योति झा की आवाज में प्रस्तावना। चाय की बात चली है तो दूर तक जाएगी। हाँ जनाब, ये वही चाय है जिसे हम हर सुबह अखबार की तरोताजा सुर्खियों के साथ तो ढलती शाम के समोसों व पकौड़ों के साथ बड़े चाव से चुस्कियां लेकर पीते हैं। मेरी और चाय की दोस्ती कब से हुई मुझे ठीक से याद तो नहीं, परंतु इतना पक्का है कि इससे पहचान मेरी माँ ने कराई थी। फिर तो पता ही नहीं चला कब यह पहचान प्यार में बदल गई। जैसे प्यार का नशा सिर चढ़कर बोलता है, चाय का नशा सुबह के उठने के साथ और शाम के 4 बजने के साथ चढ़ने लगता है। बस फिर तो हर जगह चाय चाय ही दिखती है। चाय आंटियों की गोष्ठी से लेकर नेताओं की मीटिंग तक प्रसिद्ध है। बात करें चाय की तो अब यह भी हाई प्रोफाइल हो गई है। तब से तो और ज्यादा, जब से चाय भी CCD कैफे कॉफी डे व बरिस्ता की तरह चाय उस जैसे आउटलेट पर बिकने लगी है। वहां जाकर पता चलता है चाय की भी इतनी वैरायटी आती है। देसी चाय, पहाड़ी चाय, कुल्हड़ चाय, बारिश वाली चाय एवं आम पापड़ चाय इत्यादि। और तो और, जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री को चाय वाला कहकर संबोधित किया गया है, तब से टिपरी के चाय वाले भैया की भी इज्जत बढ़ गई है। चाय वाला होना अपने आप में सम्माननीय कार्य हो गया है। हो सकता है कोई अन्य चाय वाला भावी मंत्री ही बन जाए। वैसे तो यह हर किसी की जरूरत वाला पेय पदार्थ है, तो बिजनेस अवसर भी इसमें काफी उम्दा है। हो सकता है भविष्य में चाय वाला, कड़क चाय, मसाला चाय, आपकी चाय, मेरी वाली चाय जैसे नामों वाले चाय के आउटलेट भी देखने को मिल जाएंगे। मैं अभी तक अपने आप को चाय बनाने में निपुण नहीं समझती। जितने लोग उतनी ही अलग अलग पसंद की उनकी चाय। किसी को अदरक वाली चाय चाहिए, किसी को इलायची वाली चाय चाहिए, किसी को मीठा थोड़ा कम तो किसी को ज्यादा मीठी चाय चाहिए, किसी को कड़क तो किसी को ज्यादा दूध वाली चाय चाहिए होती है। और तो और, शुगर की बीमारी है तो चाय तो चाहिए पर बिना शक्कर के। मैं हमेशा सोचती थी कि बिना शक्कर के चाय में भला क्या मजा आता होगा, ऐसी चाय पीने से अच्छा तो इसे छोड़ ही दे। ये बात मेरी समझ में तब आई जब मेरी माँ को शुगर हुआ एवं वह बिना शक्कर के चाय पीने लगी। तब समझ में आया यह चाय का प्यार सच्चा वाला प्यार का नशा है। भैया, जिससे सच्चा प्यार हो जाए उसमें कमी भी हो पर प्यार में कमी नहीं आती। शायद ऐसे प्यार के लिए ही यह कहावतें निकली हैं कि प्यार अंधा होता है, सावन के अंधे को चारों तरफ हरा हरा ही दिखता है। ठीक इसी प्रकार चाय के प्यार में पड़े व्यक्ति को हर समय चाय चाय ही दिखता है। जो चाय को प्यार करते हैं, यह सिर्फ उनके लिए चाय नहीं है, बल्कि कुछ को सुबह उठते ही ताजगी के लिए बैटी के रूप में चाय चाहिए होती है। कुछ के लिए बारिश का मौसम चाय के साथ अत्यधिक सुहाना हो जाता है। कुछ के लिए अपनों के साथ चाय और बातों से रिश्ते की मिठास बढ़ जाती है। कुछ की तन्हाइयों का सहारा यह चाय होती है। रोज की भागदौड़ में एक ऐसा पल आता है जब हम सबको एक ब्रेक चाहिए होता है, काम के तनाव से, जिंदगी की भाग दौड़ से, जीवन की वही समरूपता से, जब हम नीरस हो जाते हैं। तभी यह चाय ही होती है जो हमें एक क्विक ब्रेक देती है। चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जो चाय प्रेमियों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। दुखी होने पर चाय, खुश होने पर चाय, दोस्तों के मित्र मंडली में चाय, आस पड़ोस की गोष्ठी के साथ चाय, राजनीति पर चर्चा के साथ चाय, सोकर उठने पर चाय, काम के बीच में चाय। तो अगर कहा जाए चाय एक ऐसा तरल पेय पदार्थ है जिससे लाखों लोगों के दिन की शुरुआत होती है। चाय से संबंधित इतनी अनकही कहानियां हैं कि मैंने सोचा क्यों ना कुछ कहानियां हमारे आस पास की परिस्थितियों से चुनकर प्रस्तुत किया जाए। ये कहानियां उन सभी चाय प्रेमियों को उनकी प्यारी चाय के अधिक करीब ले आएगा। ये सारी कहानियां चाय के इर्द गिर्द ही बुनी गई हैं तथा इन कहानियों में प्रमुख पात्र चाय ही है। हाँ, इस चाय की कहानियों में जान डालने के लिए कुछ सहायक भूमिकाओं का सहारा लिया गया है। ये कहानियां आपको अपने घरों व मोहल्लों की याद दिलाएगी। इस किताब में प्रस्तुत कहानियां चाय की खोज की, कैसे चाय पहले स्फूर्ति पेय के रूप में चीन में खोजा गया या इसके विकास और भारत में इसकी कैसे लोकप्रियता हुई से नहीं जुड़ी हुई है। ये कहानियां तो चाय पीते पीते हमारे आसपास घटित होती है, बस
इसे मैंने अपनी कहानियों की माला चाय की चाह में पिरोने की कोशिश की है। इस किताब की कहानियों को इस प्रकार लिखा गया है कि आपकी प्यारी एक कप चाय आपके हाथ में हो और चाय की प्याली खत्म होते होते तक आप एक चाय की कहानी की यात्रा को तय कर ले। इस चाय की चाह किताब के बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि यह किताब उस समय लिखी गई जब कोरोना से देश तो क्या पूरा विश्व जूझ रहा था। कोविड-19 से बचाव के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 21 दिनों का देश में लॉकडाउन करा दिया था। जब सारा देश कोरोना की खबरों से सुबह से लेकर रात तक परेशान रहता था, लोग 21 दिन कैसे काटे जाएं इस समस्या को सुलझाने में लगे थे, वहीं मैं अपनी चाय की चुस्कियां लेते लेते इस किताब को आपके सामने लाने की तैयारी कर रही थी। सच कहूँ तो मुझे कभी बोरियत ही नहीं लगी कि लॉकडाउन की परिस्थिति में मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास मेरा लक्ष्य चाय की चाह के रूप में उपस्थित था। कौन कहता है ज्यादा नशा शराब में है? मैंने शराब से ज्यादा चाय पीने वालों को देखा है। शराब का नशा हैंगओवर के बाद उतरता है और चाय का नशा चढ़ता ही हैंगओवर की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं चाय गान से। चाय की पत्तियों का ना कोई अपना रूप ना रंग है, पानी में जाकर इसने खुद को उबाला, इसने दूध शक्कर मसालों से फिर हाथ मिलाया, सबने मिलकर एक नया रूप रंग अपनाया, इन सब ने मिलकर जो बनाया वह चाय कहलाया। चाय ने भाईचारे का एक नया पाठ सिखलाया, आज देश को भी चाय की सीख चाहिए, सभी जाति धर्म मिलाकर एक नया रूप चाहिए, आओ सभी जाति धर्म को आपस में मिलाएं, हम भी मिलकर भारतीयता की चाय बनाएं।